तो जैन भाई, आप सभी मेरे चैनल में स्वागत है। आप सभी को लेकर आऊँ SSB कॉन्स्टेबल ट्रेडमैन ड्राइवर 522 पोस्ट का। आपको पता होना चाहिए, जो 18 से भर्ती है, जिसका इसको 2020 में निकाला गया और इसका अप्लाई 2020 में हुआ, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत लेट के कारण 2023 में इसका जो फिजिकल है वो करा पूरा फिनिश कराया गया और रिटर्न भी एग्ज़ाम इसका फिनिश हो गया। लेकिन बता दूँ, जो 23 तारीख को था, 6 बजे तक उनका पेपर जो है, उनका पेपर कुछ कारण से पेपर नहीं हो पाया, उनका पेपर पोस्टपोन हो गया। न्यू डेट आएगा, उनका पेपर होगा, उसके बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। आपको पता होना चाहिए कि पहले उनका पेपर होगा, उसके बाद सभी का आंसर किया जाएगा, तब तो रिजल्ट आएगा। तो देखिए कब तक इनका जो है एग्ज़ाम हो पाएगा, तो इस वीडियो में बताऊंगा। और कट ऑफ कितने जाने वाला है टेट टेस्ट के लिए और फाइनल सिलेक्शन के लिए कितना कट ऑफ जाने वाला है, तो पूरा इस वीडियो में जानकारी दिया जाएगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को प्लीज देखिएगा, तो जानकारी मिलेगा आपको। अगर मेरे चैनल में बेटी जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपको हर पल का अपडेट मिलता रहेगा। तो चलते हैं, और एक वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो अच्छा लगे। तो आपको जानकारी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट पूछ सकते हैं हमसे जानकारी। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए, कोई कोई प्रॉब्लम के कारण, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आपका थर्ड वीक का था, थर्ड शिफ्ट का जो 23 तारीख थर्ड शिफ्ट 40 साल 6 था होने वाला था पेपर, पेपर आपका रद्द हो चुका है। पोस्टपोन यानी रद्द नहीं, आपको कितने भाई का आ रहा था कि कितने भाई कमेंट कर रहे थे कि क्या मेरा जो है पूरा भर्ती पूरा एग्जाम हो सकता है, आपका नहीं, जो सभी जो भाई के एग्ज़ाम करवा लिया गया उनका उनका जो है एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा, उनका एग्ज़ाम हो चुका है, उनका पोस्टपोन नहीं, अब एग्ज़ाम नहीं होगा। जिस भाई को 4 साल 6 था 23 तारीख को, उनका ही बस एक शिफ्ट का है एग्ज़ाम, किसी कारण बस एग्ज़ाम नहीं हो पाया। तो मैं इस वीडियो में जानकारी दे दिया हूँ कि आपका जल्दी 5 या 6 दिन के में आपको पता चल जाएगा, मेल के माध्यम से या आपको मैसेज के माध्यम से बता दीजिए कि आपको 3 तारीख को एग्ज़ाम देना है। तो आपको तो उसके बाद ही सभी का एग्ज़ाम होने के बाद ही आपको जो आंसर की देखने को मिलेगा, उसके बाद रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मैं बता दूँ आपको कि कट ऑफ कितने, देखिए टेस्ट के लिए कट ऑफ कितने जाएगा, तो आपको बता दूँ कि देखिए जनरल से हैं तो 70+ किए हैं तभी आपका जो है रिजल्ट आएगा टेस्ट के लिए, उससे कम नहीं है। OBC लिए 65+ और SC वाले हैं तो 55 और SC वाले हैं तो 50+, तब आपका ही जो है टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड आएगा। और फाइनल कट ऑफ तो आपको पता है, ऑल इंडिया कट ऑफ रहता है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि इस पर ऑल इंडिया कट ऑफ रहता है। तो कट ऑफ आपको बता दूँ कि ये देखिए पूरा जितने भारत में कट ऑफ जाएगा उतना जाएगा, तो अभी कट ऑफ कोई कहा नहीं जा सकता, क्योंकि देखिए बच्चे की संख्या बहुत कम है फिजिकल पास करने में, लगभग 1,25,000 पूरा टोटल फिजिकल पास किए हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ज़्यादा कंपटीशन ही देखने को मिलेगा इसमें, लेकिन तभी आपको जो है 70+ की है तो आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है, फाइनल कट ऑफ जो है सिलेक्शन हो सकता है जनरल के लिए। तो देखिए अभी कोई डिटेल नहीं आया है, अब डिटेल आने वाला है, आ जाएगा एग्जाम होने के बाद ही डिटेल आ जाएगा। तो आप आंसर किया आएगा तो आंसर चेक कर लीजिएगा कितने आप सही किए, उसके बाद पता ही चल जाएगा तो आपका रिजल्ट उतना नहीं पे आएगा, तो आपका जानकारी हो गया होगा। और जानकारी देना आपको कि देखिए ये भर्ती बहुत इंतजार था बस भर्ती, क्योंकि इसका नई भर्ती भी आ चुका है और इसका अप्लाई भी खत्म हो चुका है नई भर्ती का, और इसका भी प्रोसेस फास्ट होगा, क्योंकि इसका प्रोसेस 2023 में पूरा फिनिश हो जाएगा टेस्ट और मेडिकल फाइनल सिलेक्शन आपको 2023 में ही देखने को ज्वाइनिंग तक मिल जाएगा आपको पक्का, पूरा सिलेक्शन आपको फास्ट कराया जाएगा, क्योंकि इसका रिटर्न के बाद आपको 1 महीने के बाद टेस्ट के लिए एडमिट कराएगा, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा, आपको पता हो गया होगा। और इस वीडियो में पूरा जानकारी दिया जा रहा है, तो वीडियो स्क्रिप्ट और वीडियो पूरे देखते रहिए, वीडियो स्क्रिप्ट कीजिएगा तो आपको वीडियो की जानकारी कुछ नहीं मिल पाएगा। तो ये ना सोचिएगा कि मैं वाइस टाइम के लिए वीडियो बनाता हूँ, वाइस टाइम के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, आपको मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाता हूँ, आपको जानकारी देता हूँ कि ये जानकारी हमको पता चला, तो जानकारी आपको दे रहा हूँ, तो इसलिए आप ये फॉर्म में नजर आए कि इसको वीडियो नहीं देखिए, इसका चैनल में ट्राई होगा, ऐसा बात नहीं है। तो आप सभी बता दूँ तो देख लीजिए अभी इसका जो है वो देख लीजिए एडमिट कार्ड आया था वहीं वाला था, पोस्टपोन हो गया, तो जस्ट इसका एडमिट करेगा तो मैं इसी चैनल से वीडियो बना दूँगा, तो चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लिए तो कोई बात नहीं, आपको अपडेट मिलता रहेगा हर पर, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि इस चैनल से ही आपको पर अपडेट मिलता रहेगा। और मैं जानकारी दे दूँ आपको कि भर्ती बहुत दिनों की लेट हो चुकी है, भर्ती का बहुत प्रोसेस इसका बहुत लेट हुआ है, लेकिन इसका प्रोसेस आपको इसी साल देखने को फाइनल मिल जाएगा, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको अब आप अगर बच्चे जिनका जो बच्चे परीक्षा जिनका हो चुका है, आप पता होना चाहिए कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा, तो आप टेस्ट के लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि इसका टेस्ट आपको पता चाहिए 50 नंबर का टेस्ट होता है, इसका नंबर के हिसाब से होता दिया जाता है, 50 नंबर का होता है, उसमें 30 नंबर आपको पासिंग मार्क लेना है, 30% आपको पासिंग मार्क लेना है, आपको पता होना चाहिए।
तो तैयारी में लग गई, क्योंकि इसका जल्द ही प्रोसेस खत्म होगा तो आपको टेट टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड आएगा। तो जानकारी पूरा हो समझ में आ गया होगा। तो कोई जानकारी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कह के पूछ सकते हैं जानकारी हमके। तो तब तक लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाइयों।